Hi everyone, I'm Rohit. You are welcome to my Fit Blast channel. So good morning, sat sri akal and assalam alaikum. मैं भी आ गया हूँ आपके इस YouTube चैनल पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाहर आप जा भी नहीं सकते बाहर और ना ही जिम जा सकते. मैं आपका घर बैठे ही एक महीने में 5 kg वेट लॉस कराऊंगा. 5 kg एक महीने में. अब तुम सोच रहे होगे कि भाई एक महीने में 5 kg बिना मशीन के, वो कैसे? तो करना क्या है आपको, मैं आपको अपने 6 rules बताऊंगा. आपको वही फॉलो करना है जैसे जैसे तरीके से मैं आपको जो अपने 6 rules है वो बताऊंगा, बस उसी पे ही आपको अपना ध्यान रखना है. तो आपको करना क्या है, मेरे 2 rules आपको मैं बता देता हूँ. सबसे पहले तो आप जो अपनी डाइट लेते हो वही डाइट आपको लेनी है. इसके बीच में आपको ग्रीन टी ऐड करनी है. अब ग्रीन टी कब और किस टाइम लेनी चाहिए वो टाइम ड्यूरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ. तो आपको ग्रीन टी लेनी है आफ्टर ब्रेकफास्ट 30 मिनट्स बाद और ऐसे ही आफ्टर लंच हाफ एन आवर बाद. तो ध्यान रखना, मैंने जैसे जैसे बताया है आपको ग्रीन टी कब कब लेनी है और कैसे कैसे इंटेक करनी है. और याद रखना, रात को सोते टाइम या सोने से पहले आपको ग्रीन टी टेक नहीं करनी. वो इसलिए क्योंकि जो ग्रीन टी होती है उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन और बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है. तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करना. और दूसरी बात ये कि आपको 8 बजे से पहले, आप जो भी डाइट लेते हैं वो 8 बजे से पहले कंप्लीट कर देनी है. तो ये जो मैंने आपको 2 बातें बताई है, ग्रीन टी वाली और 8 बजे से पहले आपको अपनी डाइट कंप्लीट कर लेनी है. तो ये बातों का ध्यान ज़रूर रखना. और एक और बात, आप जितना पानी पियोगे आपके लिए बेटर है. क्योंकि जितना पानी पियोगे बॉडी के टॉक्सिस निकलेंगे और उतना फैट लॉस होगा और उतना मसल्स आपका शार्प होगा. तो मैंने जो जो बातें आपको अभी 2 rules बताए हैं उस पर ध्यान रखना. अब आपको करना क्या है वर्कआउट के लिए, अब मैं बताता हूँ आपको वर्कआउट में क्या करना है. तो सबसे पहले वर्कआउट में आपको क्या करना है, बॉडी वार्म अप करना है. बॉडी वार्म अप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जॉगिंग करोगे. आपको जॉगिंग करनी है 7 से 8 मिनट. जब आपके 7 और 8 मिनट आपका ये जॉगिंग का सेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेचिंग से शुरू करना है. जब आपकी बॉडी वार्म हो जाए उसके बाद सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी है. स्ट्रेचिंग में मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है. स्ट्रेच अप करना है अपने मसल्स को, मसल्स को होल्ड करके 10 count यहीं भी करके बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करके नीचे ब्रीथ को आउट करके आपको स्ट्रेच करना है. उसके बाद अगेन दोनों हाथों को ऊपर लाना और ओपन योर लेग्स. फर्स्ट स्ट्रेचिंग बताता हूँ मैं आपको, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है लाइक दिस, नी स्ट्रेट. आप मेरा बॉडी का पोस्चर देखते रहो, आपको ये 20 times फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है. देन उसके बाद आपको साइड बेंडिंग करनी है, 20 reps करने हैं आपको. जब आपका ये साइड बेंडिंग हो जाए तो उसके बाद टो टच ऑल्टरनेट करेंगे लाइक दिस. अब आपको जो मैंने 3 stretching बताई है आपको 20 reps करने हैं उसको. आपको 3 sets करने हैं उसके, 20 reps करना. देन उसके बाद आपको करना क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ कि हाई इंटेंसिटी में मैं आपको 4 exercise बताऊँगा बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना. ध्यान से देखो करना क्या है. सबसे पहले हम बर्पी करेंगे. ये फर्स्ट एक्सरसाइज है. और उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर करेंगे. याद रहे जब बीच में आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्रीथ को थ्रो करना है माउंट से लाइक दिस. और उसके बाद आपको करना है लेग स्ट्रेट किक अप एंड डाउन. कैसे करना है देखो ध्यान से. स्ट्रेच स्ट्रेच किक किक. ठीक है, ये आपको 30 reps करना है. देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है जंपिंग स्क्वाट्स, वो भी मैं बता देता हूँ. देन जंप
स्क्वैट्स, जंप स्क्वैट्स, जंप एंड स्क्वैट्स। तो मैंने जो आपको फोर एक्सरसाइज बताई है वही आपको करनी है। अब मैं रेपोटेशन बता देता हूँ आपको। बर्पी के फोर सेट करने हैं और रेपोटेशन आपकी 30-30 रेपोटेशन होनी चाहिए। जितनी मैंने आपको चार एक्सरसाइज बताई है इसकी 30-30 रेपोटेशन होनी चाहिए और इसके चार सेट करने हैं। इसका एक कॉम्बो बना लेना, वही चीज़ आपको करते रिदम में करते चले जाना है। तो जब आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी जब हम वॉर्म करते हैं तो उसको कूल करना भी ज़रूरी होता है, मसल्स को फ्री करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग नहीं करते बट मैं जो बता रहा हूँ आपको करना ज़रूर है। तो करना क्या है, अगेन स्ट्रेच अप बॉडी ऑन टो, ब्रीथ को इन करो, एक्सहेल करते हुए नीचे जाओ, दोनों हाथ से अपने लेग से ग्रिप बना के टच करना है, देन लूज छोड़ दो अपनी बॉडी को लाइक दिस, ऐसे एकदम लूज छोड़ दो बॉडी को। अब यहीं पे ब्रीथ नोज से इन आउट करो। अब जो मैंने आपको 6 रूल्स बताए हैं आपको वही फॉलो कर रहे हैं, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो क्योंकि ये मैंने भी खुद पे अपने पे अप्लाई करा है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, तो ताकि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ब्लास्ट करने के लिए बूम।